लेवी वसूलने के लिए पहुंचे पीएलएफआई के एरिया कमांडर विश्राम कोंगाड़ी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। बताते चले कि एरिया कमांडर विश्राम कोंगाड़ी उर्फ मोटा उर्फ शुक्रा उड़ीकेल बड़काटोली के आसपास पहुंचा हुआ था। दरअसल पुलिस को इस संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि विश्राम कोंगाड़ी किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकता है, साथ ही घटना को अंजाम देने के अलावे लेवी वसूलने का भी काम किया जा सकता है। जिसके बाद पुलिस ने एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया और टीम को छापेमारी के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस ने छापेमारी करते हुए रानिया थाना क्षेत्र के ग्राम उड़ीकेल के पास से पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य व एरिया कमांडर विश्राम कोंगाड़ी को धर दबोचा, जिसके पास से पुलिस ने 3 बोर का देसी कट्टा, 303 बोर का जिंदा कारतूस, पीएलएफआई का चंदा पर्चा रसीद और अन्य सामान भी बरामद किया है। वहीं अगर बात करें तो विश्राम कोंगाड़ी के विरुद्ध तोरपा, रनिया और जरियागढ़ थाना में कुल मिलाकर 11 मामले दर्ज थे, जिसे लेकर पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी और अब पुलिस ने विश्राम कोंगाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस संबंध में प्रभारी पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी उपलब्ध कराई, तो सुनिए कि उन्होंने इस गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहा। विश्राम कोंगाड़ी जो इस क्षेत्र का एरिया कमांडर पीएलएफआई का था, इसके बारे में कल सूचना प्राप्त हम लोग हुई थी कि दिनेश गोप के अरेस्टिंग के बाद ये अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपने लोगों से संपर्क में है, अपने समर्थकों के संपर्क में है और मीटिंग करता है। इसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई में हमने एसडीपीओ साहब तोरपा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर साहब के सहयोग में एक टीम का गठन किया था और हमारी टीम ने बड़ी तत्परता और सफाई के साथ वहाँ जाकर इनको डिटेन किया, जिनके पास से एक देख रहे हैं इलीगल वेपन है और जो इनके पास से ही बरामद हुआ है और कुछ पर्चा वगैरह भी मिला है जो संगठन को मजबूत करने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो उसी पैसे के सिलसिले बहुत लोगों के स्लिप भी काटा है, पैसा भी कलेक्शन करने के लिए एडवांस में भी स्लिप दिया है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी में के क्रम में वो पिस्टल प्लस देसी कट्टा है और 2 राउंड गोली भी मिला है और ये रसीद मिला है। इनका अगर आपराधिक इतिहास अगर हम लोग संभालते हैं तो अपने आपके सामने इसने 9 केस एक्सेप्ट किया है कि विभिन्न घटनाओं में ये शामिल रहा है, जो हमको लगता है कि लगभग 7-8 साल पहले से ही अपराध जगत में था। एक बार ये जेल गया था लेकिन आने के बाद फिर उसी अपराध में रहा और दिनेश गोप का हम अगर कह सकते हैं कि ये बिल्कुल करीबी रहा है और इसका एक इस इलाका में इसका ये बोल सकते हैं कि चार्मिंग था, ये बड़ा पद जरूर लेता। हाँ, उनके गिरफ्तार होने के बाद अब कुछ साख अब बच नहीं गया हुआ है, जो भी लोग हैं जो एक्टिव थर्ड या फोर्थ लाइन के जो लोग हैं अब वो सेकेंड लाइन में आएंगे, इसी तरह से प्रमोशन की बात हो रही थी। इस बीच में इसके पूरे जाने से हमको लगता है कि क्षेत्र में और शांति व्यवस्था बनेगा और खौफ का जो एक पर्याय बना हुआ था वो उसमें गिरावट जरूर आएगी। बड़े मामले में सामने आपके यहाँ देख रहे हैं तोरपा, रनिया और जरियागढ़ इत्यादि में है रहा, जहाँ 8-1 का कई केसेज भी रहा है और 87 टोटल सब केसेज है। मदरवर में भी हम देख रहे हैं कि मदर में भी 392 लूट पार्ट में भी ये रहा है। अलग अलग सभी जो है सब ग्रीवियस नेचर के केसेज रहे हैं जिसके का ये किए हुआ है या घटनाकारित किए हुआ है। बेखौफ टाइप का ये आदमी है और हमेशा असलहा के साथ ये और लोडेड गन के साथ हमेशा ये तैयारी हालत में रहता है। फिजिकल सूरत से भी आप देख रहे हैं और बॉडी फिजिकली काफ़ी ये हार्डी आदमी। हमारा तोरपा टीम डीएसपी साहब के नेतृत्व में, एसपी साहब अमन जी के नेतृत्व में अच्छा वर्क कर रहा है, सबका हाई मनोबल है और अचीवमेंट भी मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कि जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक कि जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक कि पुलिस की सफलता कहाँ है।
जनता जो है सो जंगल में रहती है, हर जगह पर रहती है, और जनता हमारी आंख कान है। हमारा रिलेशन बिल्कुल फ्रेंडली वाला है। हम जो पब्लिक को जितना मैक्सिमम जो सहयोग कर सकते हैं, जो उपलब्ध संसाधन सरकार के द्वारा जो दिया गया है उसमें हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुखिया के ही निर्देश प्राप्त है कि पूरे झारखंड में जहाँ भी हमारी पुलिसिंग है बिल्कुल फ्रेंडली पुलिसिंग होनी है। इसी के वजह से सूचनाएं हम लोगों को मिलती है, उस हिसाब से हम लोग एक्ट करते हैं, और चाहे वो PLFI के लोग हों, चाहे CPI माओइस्ट के लोग हों, या अन्य आपराधिक तत्व के लोग हों, सब पर नकेल कसने का काम शुरू हो चुका है, और बहुत सारे लोग उसमें, इसलिए सरीखे के जो लोग भी आला सुप्रीमो जो लोग बोलते हैं, सब लोग धीरे 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 पुलिस के कब्जे में आएंगे। आपके माध्यम से हम आह्वान भी ये करते हैं कि सरकार की आत्मसमर्पण की नीति, नई दिशाएं चल रही है, लोग इसका फ़ायदा उठाए। बहुत सारे लोग जो है अभी भी फ़ायदा उठा रहे हैं और ओपन जेल हजारीबाग में रहकर अपने परिवार बच्चों के साथ रह रहे, समाज के साथ वो अब जुड़ गए, तो चंद गिने चुने जो लोग हैं वो आखिर जंगल में रह कर क्या करेंगे, अनावश्यक सारे लोग अब बात इन लोगों का समझ है कि इनमें अब कुछ जान नहीं रह गया है। इसलिए आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि आके बाकी जो भी उनका समय बचा हुआ है जनता के काम में लगे, समाज की सेवा करें, और उनके ऊपर जो भी इल्जाम लगा है जाने या अनजाने में सबको सरकार खत्म करने की इंतजार। तो अभी आपने सुना कि प्रभारी पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने इस गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ बताया, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तजहार न्यूज।